आजो चीज दूंगा चीज आजो। इसको कब से बुलाने में लगा, वो कब से मना रहा हूँ कि दोस्ती हो जाए। आजो दोस्ती कर ले, आजो हाथ मिला लो। ये दोस्ती आजो, चीज भी दूंगा चीज आजो। कैसी हो भाई, तबीयत ठीक है आपकी? आप कल नहीं आई थी ना? कल क्यों नहीं आई थी, कल कहाँ थी आप? आप कुछ तो बात करो मेरे से, हम दोनों दोस्त होगा ठीक है। आपको जो भी चीज चाहिए मैं दूंगा, लो। यार इसकी मेरी दोस्ती हो गई नहीं तेरी, यार मैं कब से ट्राई कर रहा हूँ, मतलब ये इसको हो गए कम से कम 2-3 हफ्ते जब से ये आ रही है। मैं बिल्कुल अभी भी सो के उठाऊँ और कोशिश ये की कि भाई हो जाए दोस्ती, देखो दोबारा भी आ गई मेरे पास। आ जाओ अब दोस्ती कर लें, पक्की वाली दोस्ती। हाँ सलाम भी कर लो, बस गुड। कोई चीज़ चाहिए आपको? कौन सी चीज़ चाहिए बताओ। अब हो गई मेरी दोस्ती पक्की वाली भाई, अब ये मेरी दोस्त है, मतलब ये व्लॉग में आ भी सकती है मेरे, कोई मसला नहीं है। बस व्लॉग को फिर इधर से स्टार्ट करते हैं। वेलकम बैक टू दी न्यू व्लॉग। तो हमने पूरे 50 रुपए निकाल लिए, इसकी आपने लेनी है चिज्जी बहुत सारी ठीक है। तो अभी तक 12 भी नहीं बजे, घर की सफाइयां हो रही है, पापा भी उठ चुके हैं, पापा काम पे जाएंगे, मॉम और मैं अभी तक उठे, बाकी कोई नहीं उठा। तो मॉम का नाश्ता भी हम आज पहली बार देख रहे हैं शायद, मुझे लग रहा है मॉम सबसे पहले नाश्ता कर लेती है। मॉम बाय बाय। पापा जो है सुबह सुबह न्यूज देख रहे होते हैं, तो पापा को अल्लाह हाफिज़ हमने दूर से ही कह दिया। अभी आपका भाई जा रहा है छोटी बहुत मीटिंग में, तो लेट्स गो चलते हैं साथ। अगर वहाँ पर कोई दूसरा क्रिएटर हुआ तो लाजमी मिलेंगे, अगर नहीं हुआ तो फिर आपको अकेले ही मिलेंगे। अरे एक चीज और भी है, ये चीज मैं भूल गया भाई, ये देने भाई अपने मैंने बैंक मैनेजर को। भाई पहले खुल जा सिम सुबह ही सुबह। ये दो खड़ी मेरी गाड़ी। जो हवा की क्वालिटी है दैट्स रियली पुअर, एलर्जी जो है वो थोड़ी सी आपको ज्यादा देखने में आएगी। हाँ जी भाई, ये बता रहे हैं भाई जो कि हो रहा है अभी सूरज ग्रहण। 100 बातें होती हैं कि यार अगर ये करोगे तो ये हो जाएगा, ये करोगे तो ये हो जाएगा। वैसे अगर साइंटिफिकली देखा जाए सिर्फ तो साइंटिफिकली बस यही है कि यार जो सूरज है ना, सूरज और चांद जो है, मतलब चांद बीच में आ जाता है जब सूरज की किरण हमारी डायरेक्ट हमारी धरती पर पड़ती है, तो चांद जब आ जाता है तो वो सूरज इक्लिप हो रहा होता है। इतनी सी बात है, आप जिस बात पे बिलीव करें, हम लोग चलते हैं भाई डायरेक्ट अपने काम पे। अच्छा जी, तो आए भाई मैकडोनल्ड्स और आपके भाई ने चाय पी है, सिर्फ अभी तक कुछ खाया पिया नहीं है, लेकिन अगर आप यकीन करें ये हाथ दिख रहा होगा आपको। हंसी भी आ गई होगी कि पाकिस्तान के वन ऑफ द बेस्ट व्लॉगर जो है ना, व्लॉगर जो फिल्म टाइप व्लॉग बनाते हैं, तो उनके साथ हम बैठे हुए, सीन कुछ ऐसे है। Assalamualaikum, मैं मास से पहली दफा मिल रहा हूँ और बड़ा अच्छा लगा मुझे मिलके। अभी हमने बड़ी हार्ट टू हार्ट डिस्कशन किया, पॉडकास्ट चली है, दिल की बातें की, तो बड़ा अच्छा लगा। और मैंने मास को देखना शुरू किया अभी पिछले रमजानों में, और तब से मैं रेगुलरली, और मैं आपको पिछले 2-3 साल से देख रहा हूँ। थैंक यू भाई। और जो स्ट्रगल्स हैं वो बहुत ही ज्यादा सिमिलर हैं, तो बड़ी खुशी हुई कि यार रिलेटेबिलिटी वाली कॉन्वर्सेशन। बिल्कुल ऐसी है, एक हर कराची वालों की ना ज्यादातर करीब करीब मिलते हैं आपस में, उनके रिलेट कर पाते हैं कराची वाले ज्यादातर। बस यार एक सवाल है मेरा मास से कि यार तुम हर जगह ब्लॉगिंग करते हो कराची में रह के, तुम्हें टेंशन नहीं होती कि तुम्हारा फोन चला जाए? और ये बात रह गई थी हमारी पॉडकास्ट में, अभी शेयर कर देते। अच्छा मेन मकसद जो मेरे पीछे ब्लॉगिंग छोड़ी थी ना, उसमें ये भी डर था कि मेरा मोबाइल ना छिन जाए, तो मैं बाहर निकलना मैंने खत्म कर दिया। मतलब मैं पूरा हफ्ता जो है मैं समझ ले घर में रहा था, एक रूम के अंदर, कि यार मैं अगर बाहर निकलूं कल को मेरा मोबाइल चले जाए, मेरा सारा डेटा उड़ जाए, तो फिर मुझे मोबाइल लेना पड़ेगा, फिर ब्लॉगिंग करनी पड़ेगी। ये मोबाइल देखें आप, 3-3.5 लाख के मिल रहे हैं, ये बड़ी इन्वेस्टमेंट हो गई मोबाइल भी अब तो। इस वजह से तो भाई ये देखें स्ट्रगल्स, ये बिहाइंड द सीन वाली स्ट्रगल आपको नहीं पता। आप कब शुरू कर रहे हैं भाई दोबारा से ब्लॉगिंग? आप करते हैं फिर रोक देते हैं फिर करते हैं? यार डेली तो मैं नहीं कर सकता, लेकिन ऑन एंड ऑफ मैं करता रहता हूँ, बीच में थोड़ी मोटिवेशन आती है। एक चीज और है जी, यार आपके पास बाइक्स बहुत ज्यादा है, गाड़ी देखे मेरे पास भी आपके पास भी, तो मुझे गाड़ी की राइड नहीं, मुझे बाइक की राइड करनी है। यार तुम जब बोलो हम, मैं बाइक लेके आता हूँ और बस एक ही राइड होगी, तुम कान पकड़। या तो मैं तुम्हें गारंटी बोल रहा हूँ, या तो तुम उसके बाद कभी जिंदगी में बाइक का नाम नहीं लोगे। अच्छा ऐसी राइड करा देंगे आप मुझे? या फिर तुम्हारे दिल के अंदर भी वो शौक पैदा हो जाएगा कि यार अब मुझे भी बाइक चाहिए। इन दोनों में से कोई एक बात, दोनों में से एक चीज हो जाएगी, फिन कर दें आप क्या? ओके भाई बड़ा अच्छा लगा। और मेरा नाम इरफान है, मैं कराची से हूँ, मेरे साथ मास है और सीन्स कुछ ऐसे। अच्छा जी तो चलते हैं डायरेक्ट घर। और मैंने आपको बताया था जैसे कि मैं एक जगह जा रहा हूँ, मीटिंग शीटिंग थी, तो वहाँ पर हमें इरफान भाई मिल गए हैं। तो इरफान भाई से भी मुलाकात हमारी अच्छी रही है भाई, काफी कराची कराची के बॉयज मिले हैं आज। अगर आपको अच्छा लगा तो आप अभी से लाइक कॉमेंट शेयर, और आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी लाजमी करें।
अच्छा जी, अभी हम बिल्डिंग में तो आ गए लेकिन ऊपर जा रहे हैं। ऊपर जाने के बाद अभी हम सबको थोड़ा बहुत रेडी करेंगे, कम भैया हुसैन फरिया, अगर मम्मा भी जाए मम्मा भी चले, क्योंकि हम एक जगह जा रहे हैं। तो आपको ब्लॉग पर पता लग तो गया होगा, लेकिन फिर भी मैं आपको बता चलूँ कि हम जा रहे हैं जो हमने अपनी शॉप को लॉन्च करना है कल के दिन, मीटअप जो बड़ा है। लेकिन उससे पहले आपको दिखा दूंगा मैं आज। खोले 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 खोले, अरे गेट तो खुला ही छोड़ दिया। मॉम रेडी शेडी हुई भी है, अभी चलना है हमने भाई। हाँ। वो मॉल जाना है, वहाँ पर जो शॉप बनी है आपके भाई की, मतलब आपकी समझो आपकी, तो वो शॉप मैं दिखाने जाऊंगा आपको आज। और फिर कल मीटअप भी है, मतलब उस मॉल में है ना। तो ये खाना रात के लिए बन रहा है, पाए जो तुमने पाए 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 पाए। परिया मैं भैया आप और नमाड़स में अभी सब देख रहे हैं भाई, नमाज हरम में नमाज हो रही है, सूरज ग्रहण हुआ है। मॉम यहाँ पर दिख रहा नहीं दिख रहा, अंधी हो गई। देखा आपने, नहीं ऐसे नहीं देखते, मना किया होता है डायरेक्ट सूरज को देखना, वही आंसू भी आ रहे हैं आपको तो। हाँ वेल्डिंग वाले चश्मे में देखना होता है, नहीं नहीं वो बोलते हैं अगर आपको देखना है तो वेल्डिंग वाले चश्मे में देखो, मतलब इसके अलग से ग्लासेस आते हैं। ये देखो ये देखो, यहाँ दिखा रहे हैं, ये हरम का जो चैनल है ना, चांद बीच में आ रहा है, मतलब पूरा नहीं, मतलब ये आज जो है ना इस तरह है, ये आधा है, इस साल पूरा नहीं है, इस साल आधा है। हाँ सुभान अल्लाह माशाल्लाह। ओके जल्दी से करते हैं भाई खाना, दही और रोटी। टमाटर पेंडस तू रेडी वेडी है, अभी चलना है। अबे तेरे को दिखाऊंगा अपनी शॉप आज जो मैंने न्यू न्यू बनाई है, चल फटाफट रेडी हो, चल चल। अबे तू भी शरीफा खा रहा है, अबे इतना बड़ा शरीफा, ओ अपने साइज का शरीफा, चल तू छोटा वाला ले, बड़ा वाला मुझे दे, चल। अबे सॉरी सॉरी। सबको रेडी करते करते हो गई है भाई रात भर, क्योंकि फरी ट्यूशन चली गई थी, फिर ट्यूशन से आई, मॉम ने भी अपने खाने वाने बना लिया सही से। अबे तेरी चप्पल उतर गई, अबे टमाटर मिंड के साथ पिक्चर्स हो रही है। आ जाइए। मैंने जो है ना ग्रुप बना लिया है, मतलब भैया मैं टमाटर मिंडस और फरिया और मम्मा, मतलब हम पांच गाड़ी में ऐसा टाइट जाते हैं, हर जगह कहीं भी घूम सकते हैं हम, क्योंकि हम लोग थोड़ा बहुत ज्यादा फारिग है। बाकी जो हमारी भाभी और हमारी जो वाइफ है वो जरा काम शाम करती है, और पापा घर में रहना पसंद करते हैं, तो हम ही लोग चले जाते हैं हर जगह। पार्किंग 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 भाई, बड़ी मुश्किल से पार्किंग मिली है, ये यहाँ से लेके वहां तक समझो पार्किंग ही पार्किंग थी। आ जाइए। इस मॉल के अंदर भाई हमारी फर्स्ट आउटलेट है, जिंदगी भर याद रहती है आपको, जो भी आपकी पहली चीज होती है ना, वो किसी भी जगह हो, वो आपको हमेशा जिंदगी भर याद रहती है कि ये जगह थी। मुझे अपनी ये जो शॉप है ना जिंदगी भर याद रहेगी। चलते हैं आगे, तो हम मॉल से जैसे अंदर आए, ठीक है। अब तुम्हें कहीं शॉप नहीं दिख रही मेरी, दिख रही है कहीं शॉप नहीं दिख रही ना, तो तुमने क्या करना है अब, तुम्हारा मैं मुंह बताता हूँ तुम्हें कहाँ जाना है। तुम्हें यूं हल्का सा लेफ्ट होना है, यूं ये तुमने लेफ्ट होना है, ये सामने खिलौने वाली शॉप आ गई, ठीक है। तुमने जाता रहना, तुम्हें भी बताऊं, इधर आओ, तुमने भी सीधा जाता रहना। अबे इधर, अबे सीधा कहाँ चले गया, अबे तेरा सर तो घुमाना ही भूल गया, इधर। फिर तुम मुड़ गया लेफ्ट पे, जिधर जाता रहना, और तुमने फिर यूं ही ऊपर देखना है स्ट्रेट। ये लॉक हुआ हुआ है, चाबी आएगी उसके बाद खुलेगा, फिर मैं आपको दिखाता हूँ पूरा अंदर का। मॉल में दुकान तो है हमारा ना, ये बहुत बड़ा ड्रीम होता है, बहुत बड़ा ड्रीम लोगों का, मेरा भी था। आपका ड्रीम था? मेरे बहुत सारे ड्रीम है जो अल्लाह का शुक्र है पूरे हो रहे हैं। अच्छा, पहले के ड्रीम? हाँ पहले के। देखो भाई शायद मॉम की दुआ हो मेरे साथ इसलिए ड्रीम पूरे हो रहे हो। हाँ भाई ये बात तो होती है कि आपकी मॉम की दुआ आपके साथ होगा तो सब काम हो जाता है। जो सबसे शैतानी करता है उसको लगेगा करंट ऑन है, ये ऑन है, तू तो गया। थैंक यू भाई, थैंक यू। ऐसे कौन देखता है भाई। क्या दिखाया सर आपको, छोटा वाला? हाँ वो इधर कहीं कहीं कहाँ गया अभी अभी अभी। ओ हाँ ये ले, ये मिल गया, ये ले लगा ले। कैसा है? ज्यादा अच्छा नहीं है, चले आप बाहर जाएं। आप जी कैसा लगा आपको ये शॉप? मतलब अभी मैं एक चीज बता दूं, अभी जो फ्रेग्रेंस है ना सारी, ये कल मतलब आउटलेट पे आ जाएंगी, अभी नहीं आई। कब तक आ जाएंगी फ्रेग्रेंस? मैं समझा था रखी होंगी लेकिन रखी नहीं। इंशाल्लाह कल जो लॉन्च है, कल बिल्कुल लॉन्च पे ही सब मिलेगा, फिर सब फुल भरा होगा। ये इंशाल्लाह। मैं ये बोल रहा हूँ डेकोरेशन इसकी काफी अच्छी है। कैसी है? रेस्टोरेंट लग रहा है, रेस्टोरेंट लग रहा है। चले आपको भी नहीं बोला अभी बाहर जाए। वाह क्यों यार, आपने देखो फ्रेग्रेंस उठानी है, आपने इधर रखनी है और आपका बिल हो जाएगा सिंपल। आपने कोई फ्री रॉकेट साइंस नहीं लगानी इस पे, फ्री नहीं बिल, पैसे देके बिल। आप कुछ कहना चाहेंगे शॉप के बारे में? मैं तो ये कहना चाहूंगा बहुत अच्छी है यार, डेकोरेशन आउट क्लास है। सब स्क्रीन आप देख रहे हो सामने, उधर क्या चलेगी? उधर कुछ भी मतलब फ्रेग्रेंस का एड वगैरह होता है या कुछ भी XYZ सॉन्ग वगैरह। दुकान पे रहे आप बैठे, आपको ज्यादा देर बैठने की। अब आपका रिव्यू मॉम? हाँ बहुत जबरदस्त लगे। हाँ बहुत अच्छी, अच्छा लगा, दिल में खुशी हुई कुछ। हाँ
बाकी जाहिर नहीं करना, जाहिर नहीं करनी, लेकिन खुशी है बहुत। और क्या चाहिए होता है एक इंसान को? हाँ ऐसा ही है, ऐसा ही है। बाकी ऊपर देखे आप, ये जो हमारे पीछे फानूस लगा हुआ है, ये बड़ा ही यूनिक फानूस लगा हुआ है, इसको हमने रस्सियों से लटकाया हुआ। ये काम काफी कितने टाइम से चल रहा था, हमें एक महीना हो गया, एक महीना पूरा, एक महीने से चल रहा था, एक महीने से काम चल रहा था। और मैंने इसको बड़ा हाइड किया हुआ था अपने व्लॉग में, मैं नहीं बताता था कि यार ये कुछ काम चल रहा है। ये देखो ऊपर लिखा मास अफदर वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें, ये दिख नहीं रहा लेकिन करें आप लोग। अब मैं आ गया हूँ भाई काउंटर के पास, यहाँ पर जो है वो बिलिंग वगैरह होगी, जैसे कि यहाँ पर कंप्यूटर वगैरह होगा और यहाँ पर सिस्टम होगा सारा, जो भी आप परफ्यूम ला के इधर रखेंगे, जो आपको पसंद आएगा, जो आपको फ्रेग्रेंस अच्छी लगेगी, उसका हम बिल यहाँ बैठ के करेंगे। तो ये है हमारी भाई छोटी सी प्यारी सी क्यूट सी शॉप, मासूम सी। हाँ, क्योंकि ये जो है ये सिर्फ फ्रेग्रेंस की शॉप है, इसमें कुछ दूसरी चीजें नहीं, क्योंकि हमारा पहला ब्रांड जो है वो फ्रेग्रेंस ही है। बाकी हम आगे का भी और सोचेंगे कि और हमने क्या क्या अपग्रेड करना है अपने ब्रांड के साथ, और क्या चीज़ें लानी है, लाइक जैसे कपड़े हो गए, लाइक जैसे और क्या बोल सकते हैं, कोई फूड वगैरह हो गया, मतलब MS ब्रांड बन चुका है। देखिए साइन बोर्ड की लाइट जल चुकी है, ये लोगो है हमारा MS का और ये है मास अफदर आर। ऑफिस कर दें, आ जाए आ जाए आ जाए। जब आप फ्रेग्रेंस ले लेंगे ना हमारी, तो इधर लिखा होगा आर यू स्मेलिंग गुड, इधर लिखा होगा www.massafdar.com। मीन्स इधर आपको भी फ्रेग्रेंस मिलेंगे सिर्फ, बाकी और भी बहुत कुछ मिलता रहेगा। कल जो इवेंट हो रहा है वो कहाँ पर हो रहा है भाई हमारा? वो इधर इवेंट होगा पूरा, इधर स्टेज लगेगा, मतलब लोग ऊपर इधर 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 कहीं भी जा सकते हैं, देख सकते हैं आप, मिल सकते हैं। सही, कल का वेट है भाई, कल है हमारी शॉप की ओपनिंग। आज मैंने सोचा कि मॉम लोग को दिखा दूँ, और कल जो है वो फिर तो बिग इवेंट है ना, बिग लजीज लजीज कॉन्स आ चुके हैं। जी ओए ओए की अलहमदुल्ला, बताओ। हाँ क्या हो गया? और क्या हो गया आपको? दिल तो बाहर नहीं आ गया? वेट, ये तो बाहर आने वाला है। डॉक्टर के लेके चलो, डॉक्टर के बैठ जाओ, बैठिए हमारे साथ बैठ जाओ, डॉक्टर के चले, आ जाओ आ जाओ, डॉक्टर के चले, चलो चलो आइसक्रीम गिर जाएगी। अबे डॉक्टर के चलते, आ जाओ आ जाओ डॉक्टर के चलते। अरे दिल तुम्हारा बाहर आने वाला है, नहीं आ रहा दिल बाहर आया तो कॉल करना। हाँ बच्चे का दिल अभी बाहर आया था, इतना भाग भाग कर आया है, मतलब ऐसा ही होता है, छोटे बच्चे अगर मुझे देख लेना बस उनका दिल फिर पता नहीं क्या हो जाता, मुझे खुद समझ नहीं आता, वो ऐसे दिल धड़क रहा होता उनका। बाय 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 बाय, इसलिए कर रहा हूं क्योंकि दो दिन से बन रहे पाए और मेरे फेवरेट हैं। इन सबको मैंने नीचे छोड़ दिया भाई, अभी आहिस्ता आहिस्ता आएंगे। आ गए, दिखा दी शॉप, आना आप भी व्लॉग में देख लीजिएगा, या फिर परसों तरसों कभी चले आइएगा, कल तो इवेंट है, परसों जाके देख लीजिएगा। वैसे भी काम पे अगर जाते हैं तो बाबा का अगर रास्ता पड़ा तो आप चले जाएंगे। तो घर आते आते भाई 9 बजने वाले, पाए की शक्ल तो देख लें भाई हम। ओए ओए बड़ा गर्म हो रहा है, कैसे करेगी शायद ऐसे? हाँ ये आइडिया है लड़कियों को, वैसे हो जाता है। ये देखे भाई बड़े बड़े हड्डे बोटे, ये तुझे भी खिलाएंगे हम आज, ठीक है? अबे खाएगी, कल तूने वो सीखे जो खाई है, बोटियां खाई है, वो सिर्फ खाया तुम्हें, वाह वाह वाह, गोश्त तो बोलती है मैं खाती नहीं हूँ, तूने वो बोटियां खाई है सीखे वाली? मैं बोटी में शूज खाते हैं तो मैं वो बोटी खा लेती हूँ। आपका भाई आपको बताएगा कि भाई पाए में से गूदा कैसे निकालना है, मतलब जो उसकी हड्डी है ना वो तो वो लोग भी निकाल लेंगे। नहीं मतलब कि मैं अपने तरीके से बताऊंगा ना यार, ये देखो यार, देखो यार मुझे हंस रहे, मैं सही बात कर रहा हूँ, पाए में से गूदा कैसे निकालना है, कुछ भी मतलब कि वो गिरे भी नहीं, वो छींटे भी ना करे, उस तरह से। हाँ समझ गए, अब नहीं हंसना, अब मैं बिल्कुल नहीं, प्लीज। तो ये हम निकालते हैं भाई, मॉम हमारे जो पाए बनाती है ना, उफ लजीज पाए बनाती है। तो मुझे पता है कि आपका दिल कर रहा हो खाने का, लेकिन आप अपने अपने घर में प्लीज बना के खा ले, क्योंकि ये खत्म हो चुके हैं। ये आ गई भाई एक नली, चलो भाई पहले इसमें सारा तेल में निकल गया। ओए ये तो खुद ही निकल गया, ये तो खुद ही निकल गया, ये तो खुद ही निकल गया, निकालते दूसरी हड्डी में से। रुको इतना ही था इसके अंदर और निकल गया है बगैर छींटों के। मॉम के हाथ का टेस्ट मुझे कैसा लगा आज के पाए का? ये रोटी में हमने निवाला बनाया भाई, ये तेल तेल और थोड़ा रस और थोड़ा सा गूदा भी लेंगे भाई। 10 out of 10, उसके साथ साथ प्लस जितने भी नंबर कर लो सारे नंबर। खामोश खामोश, बस बिल्कुल खामोश, एक आवाज ना आए अब पूरे ब्लॉग में, पूरे ब्लॉग में सिर्फ तुम्हारी आवाज है, हम लोग की आवाज ही खत्म भाई जब से तुम लोग आए हो। मोम को तो खुशी हो रही होगी लेकिन हमारे व्लॉग में आवाजें सिर्फ इनकी आती है पीछे। अभी चुप हो गए तुमने, इनको बोला खामोश, बिल्कुल चुप, आवाज नहीं। अबे दोबारा बोलना शुरू कर दिया वो, अब नहीं सुन रहे, चुप, अरे चुप चुप चुप, आवाज ना है बिल्कुल। खामोश हो गए, खामोश हो गए।
तोतों को छोड़ो भाई, तोते मॉम के बहुत फेवरेट है, तो तोतों को बोलने दो, हम कुछ नहीं बोल सकते। तो हम आपसे ये बात कर रहे हैं कि मैं कसम से लिटरली बहुत खुश हूँ यार, बहुत खुश हूँ। मैं अपनी ना फीलिंग्स ना शेयर नहीं कर पाता यार, मुझे समझ नहीं आता मैं क्यों नहीं कर पाता। मुझे ऐसा लगता है कि मैं जानबूझ के फील ला रहा होता हूँ उस चीज के लिए जो चीज मुझे आपको बतानी है। ये क्या फैक्टर है मेरे अंदर के वो खुद से एक्सप्रेस नहीं हो पाती, वो लानी पड़ती है जबरदस्ती, फिर आपको बतानी पड़ती है व्लॉग के अंदर कि मैं बड़ा खुश हूँ। मेरी शॉप बन रही है पहली और फर्स्ट शॉप, लाइफ की फर्स्ट शॉप जो कि मेरे खुद के नाम पर है, मेरे खुद का ब्रांड है। और इसके पीछे कितनी स्ट्रगल होगी, मतलब मैं यहाँ तक कैसे पहुँचा, मुझे यहाँ तक पहुँचने में कितना टाइम लगा, और मतलब क्या क्या अचीवमेंट मैंने पहले की हैं जो ये अब अचीवमेंट आई है, और बस बड़ी बड़ी मेहनत लगती है एक छोटी चीज़ के पीछे भी। तो अल्हम्दुलिल्लाह से अल्लाह ने अचीव करवाई ये चीज़ भी। कल इसकी ओपनिंग है, कल वाला व्लॉग अब लाजमी देखना, कल मैंने मीटअप भी रखा सबसे बड़ा, तो यही है कौन कौन आएगा और कौन कौन नहीं आएगा। तो सब्सक्राइबर से वहाँ मुलाकात होगी और मॉम बड़ी खुश है। मेरी मॉम से भी ना मतलब फीलिंग निकल होती, दिल में बहुत सारी फीलिंग्स होती हैं लेकिन निकलती नहीं है मेरी मॉम के साथ, और मेरे साथ सिर्फ यही चीज़ है कि दिल में बहुत सारी फीलिंग्स होंगी लेकिन वो एक्सप्रेस नहीं हो पाएंगी, बस समझ रहे ना। तो यस, तो इस व्लॉग को इधर ही एंड करते हैं। उम्मीद आपको व्लॉग पसंद आएगा, तो व्लॉग को लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब मस्ट करें। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।